नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाइजीन जेल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डाइजीन जेल को कैसे लेना चाहिए और डाइजीन जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डाइजीन जेल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डाइजीन जेल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। डाइजीन जेल एक एंटासिड दवा है जो पेट में एसिड और गैस बनने की समस्या को कम करती है। डाइजीन जेल का उपयोग पेट में गैस बनने पर, पेट में जलन होने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी डकारें आने पर और सीने में जलन होने पर डाइजीन जेल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइजीन जेल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर डाइजीन 10 मिलीलीटर जेल को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। जिन व्यक्तियों को रात के समय पेट में एसिड ज्यादा बनता है, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर डाइजीन जेल को केवल रात को सोते समय ही लेने की सलाह देते हैं। डाइजीन जेल को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। डाइजीन जेल को खाना खाने के 30 मिनट से लेकर 60 मिनट बाद लेना रेकमेंडेड होता है। डाइजीन जेल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको डाइजीन जेल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना डाइजीन जेल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइजीन जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डाइजीन जेल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डाइजीन जेल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, कब्ज और दस्त की समस्या हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाइजीन जेल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डाइजीन जेल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लगातार 2 सप्ताह से अधिक डाइजीन जेल को लेना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए डाइजीन जेल को लगातार 2 सप्ताह से अधिक डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर व्यक्तियों को डाइजीन जेल को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर व्यक्तियों को डाइजीन जेल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डाइजीन जेल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को डाइजीन जेल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं डाइजीन जेल को ले सकती है या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डाइजीन जेल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डाइजीन जेल को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डाइजीन जेल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डाइजीन जेल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डाइजीन जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।